समुद्र में पलक का दीदार सा है, अपने ख्वाबों के जहां को कुछ बुनना सा है। आगे का रास्ता जरा दूर सा है, मेरे आंखों के आगे कुछ ओझल सा है। समुद्र आसमान का कुछ मिलन सा है, मेरे सपनों का किनारा कुछ ऐसा सा है। ये पानी की आवाज, ये हवा का छूना, ये पानी की आवाज, ये हवा का छूना, लहरों का उठना और फिर बैठ जाना। कुछ मेरे जिंदगी की लकीरों सा है, मेरे सपनों का कभी ऊपर तो कभी नीचे सा है। रंग समुद्र अक्ष का दोनों का एक सा है, किसी को देख खुश तो किसी में गम सा है। पर दूर दोनों का मिलन मेरे सपनों सा है, कुछ ख्वाबों की उम्मीदों के पूरे होने सा है। समुद्र में फलक का दीदार सा है, मेरे ख्वाबों के जहां कुछ बुनना सा है। एक्चुअली मैंने एक पोएम लिखी थी मेरी आफ्टर 2014 में ग्रैंड मदर की डेथ के बाद, खामोशी। तो उनके बाद जो मेरी लाइफ में खामोशी स्टार्ट हुई थी 3.5 years, तो उस पे है मेरी सेकंड पोएम। कुछ इस तरह हम डर रहे हैं, शब्द इस जहन से निकल नहीं रहे, ख्याल इस दिमाग में बैठ अजीब रहे, हमारी कलम के पास वो स्याही नहीं रही, कागज की भी इम्तिहा हो चली, इस दिल की जुबान से महफिल नहीं रही, तुम्हारी हमसे अब बात नहीं रही। हम खो गुम तुम्हें पन्नों में छान रहे, और सवेरे पन्ने पे काला अक्षर सफेद देख रहे।